और लजिम ना करें। हे कामदेव, आप निश्चिंत हो, निश्चिंत होकर जाए और अपने देवराज इंद्र से कह दीजिएगा। हे कामदेव, कामदेव तुम इसलिए
चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? हे महादेव, कैलाशपति महादेव शिव शंभो, आज मैं अत्यंत प्रसन्न चित्त हूं और मेरी प्रसन्नता का कारण तो भगवान, मेरी प्रसन्नता का कारण जब आप सुनेंगे, आप भी अत्यंत प्रसन्न चित्त और आश्चर्यचकित होंगे। प्रभु कहिए नारद, ऐसी क्या बात है, हमें भी बताइए। हे महादेव, मैं यूं ही विचरण करते करते हिमालय की तराइयों में एक निर्जन स्थान को देखकर, एक गुफा थी, उस गुफा को देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरी चित्त इंद्री ने बताया यही वह स्थान है जिस स्थान पर देवर्षि नारद तुम्हें जरूर कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी अगर तुमने इस स्थान पर तपस्या जप तप किया तो। फिर क्या हुआ देवर्षि? फिर क्या प्रभु, मैं बैठ गया अपना आसन लगाकर और मैंने घनघोर तपस्या की प्रभु। फिर क्या हुआ देवर्षि नारद? फिर क्या बताऊं भगवान, प्रभु मेरी तपस्या के बल पर देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, इनका सिंहासन फिर क्या हुआ? होना क्या था भगवान, देवराज इंद्र ने कामदेव को मेरी तपस्या, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए हिमालय की तराइयों में भेजा भगवान। वह मदन तुम्हारी तपस्या भंग करने आया प्रभु जी। फिर क्या हुआ देवर्षि? फिर क्या प्रभु, आप जानकर अत्यंत प्रसन्नचित होंगे, आपके इस देवर्षि नारद ने कामदेव पर विजय की प्राप्ति की है प्रभु, कामदेव पर। अरे यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, आप तो सत्य ही महात्मा है, काम क्रोध मद लोभ पर सभी तपस्वी योगियों ऋषियों मुनियों को, इस चराचर में सभी जीवों को काम क्रोध मद लोभ पे विजय प्राप्त करनी चाहिए और वह विजय आज आपको प्राप्त हुई, यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। आपकी कृपा, आप मुझे अति प्रिय है, अतएव यह विषय आपकी भलाई के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वृतांत आपने मुझे सुनाया या किसी और से ना कहना। नारायण नारायण नारायण, और किसी से ना कहना, कितनी बड़ी उपलब्धि है और किसी से ना कहना। ठीक है प्रभु, हम मुझे आदेश दे भगवान, जैसी इच्छा कल्याण हो। श्रीमन नारायण नारायण
पचा नहीं पाते, ये तो सुना था। मगर महादेव नारायण नारायण समाएंगे।
क्या वह आपकी तपस्या को भंग कर सकता है? अरे देवर्षि नारद, उसे तो हारना ही था, आपकी विजयश्री होना प्रबल था। अब मुझे आदेश दीजिए प्रभु। ठीक है, तो